इस मैच में कैसा खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे। नहीं। कैसे हो सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आ चुके एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वीडियो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उनके लिए। फार्मिंग जो करते हैं ना, मतलब दिन भर बेस सर्च करते रहते, मतलब अपना बेस सबको मैक्स करना ही होता है। मुझे भी अपना डाउनऑल 10 है, इसे मैक्स करना ही है। तू सच बोलता है ये, तो आप भी समझो डाउनऑल 11 12 9 10 किसी एक डाउनऑल पे हो और उसे आप फार्मिंग कर रहे हो, तो वीडियो आप लोग ये पूरी देखना, क्योंकि आप इसके मतलब मैं आपको थोड़ी टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको रश बेस और डेड बेस कैसे मिलेंगे। तो उससे पहले गाइस आप लोग प्लीज लाइक करो यार, इस वीडियो का लाइक हम लोग रखेंगे 1800 लाइक्स का, फिर सब्सक्राइब करो आप, हम लोग जल्दी जल्दी पहुँचना 80,000 पहले पहुँच जाए, फिर 90 देन 100 भी होप्स की हो जाए यार जल्दी से। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए, एंड उसके बाद ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। ओके सो गाइस इतना ये सब कर दो मेरे लिए यार, इतना तो बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको एक रिप्ले दिखा देता हूँ जो मैंने लास्ट अटैक किया था, इसमें मुझे आप लोग लूट देखो कितनी मिली थी और कैसा बेस मिला था, ठीक है। तो फिर ना आप ऐसा नहीं कि मैं टाउन हॉल 10 से दिखा रहा हूँ और आप हो किसी और टाउन हॉल पे, तो आपके लिए ये वीडियो मतलब वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो कैसा है ना गाइस, अभी अगर आप लोग समझो कि टाउन हॉल 11 12 10 पे हो, किसी भी एक टाउन हॉल पे हो, तो आप ऐसी आर्मी लो जिससे आप अपने लेवल के टाउन हॉल को सामने वाले को 3 स्टार कर सको, ठीक है। मतलब जैसे अभी मैं डाउनऑल 10 पे हूँ, तो मैं डाउनऑल 10 की प्रॉपर आर्मी लेके जाऊँगा, जो मैं डाउनऑल 10 पे डेड बेस मिलता है तो मैं उस पर 3 स्टार करूँ, या फिर मैक्स बेस भी मिलता है विथ गुड ट्रॉफीज़, अगर उसके कलेक्टर्स भी भरे हुए हैं तो मुझे उस पर बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी, 1 मिलियन तक की लूट भी मिल सकती है मुझे उस पर। तो आप ऐसी आर्मी ट्रेन करो जो सामने वाले बेस सेम अगर है, सेम टाउनऑल का, तो उसे 3 स्टार कर सके, या फिर अगर समझो कि डेड बेस है मेरे को, अगर टाउनऑल 11 का बेस मिलता है, ठीक है, तो 11 के बेस पे मैं अगर डेड बेस है तो वो ऑब्वियसली हो ही सकता है 3 स्टार अगर हम प्रॉपर आर्मी यूज़ करें, क्योंकि टाउन हॉल 10 पे मतलब प्रॉपर अच्छे लेवल की मतलब ट्रूप्स होते हैं जो हायर टाउन हॉल के बेस पे भी 3 स्टार कर सके अगर वो डेड बेस है तो, समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। तो यही करो आप लोग कि मतलब समझो उससे भी हायर टाउन हॉल का मिलता है, तो आप चाहो तो 40-50% में लूट निकाल के चले जाओ, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे यार मैं भी बहुत जल्दी मैक्स करना चाहता हूँ यार ये अपना बेस, तो सर्च करेंगे अपन बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने वाला हूँ, तो मिस मत करना ये वीडियो, आप लोग पूरी देखना। देखो ओ भाई साहब, देखो गाइस मैंने अभी जस्ट आपको बोला और ये बेस मुझे मिल चुका है, वो भी टाउन हॉल 10 का विथ 6 लाख प्लस लूट है, गोल्डन एलिक्सर एंड देन ऑलमोस्ट 6000 डार्क एलिक्सर है। तो मुझे क्या करूँ गाइस, इस पर अटैक करूँ या फिर मैं इसे स्कीप करूँ या फिर कोई और देख लेते हैं कि अच्छा बेस मुझे मिल जाए। तो हम लोग सर्च करें क्या और भी, या फिर चलो यार इस बार अटैक कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर गाइस मैं क्या करूँ यार, सीसी डिप्लॉय करूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसे ही 3 स्टार तो कर ही दूंगा यार, इस पर इतना भी क्या है, इस पर यार कुछ भी नहीं है। ओके सो गाइस इस पर हम लोग अटैक कर लेते हैं यार, आप लोग देखना क्या होगा, आप 3 स्टार होगा या नहीं आप मुझे बताओ। चलो यार गेस करो यार गाइस, अपने मन में सब बताओ क्या हो सकता है। अरे यार वॉल ब्रेकर्स नहीं लिया है मैंने, तो मुझे लगता है कि अभी चलो यार वॉल ब्रेकर डाल देते, ओके, क्योंकि मेरे पास वॉल ब्रेकर्स नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। फिर उसके बाद मैंने हॉग्स लिए, तो हॉग्स एक्चुअली ये आर्मी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है मुझे पता है, क्योंकि ये इसमें मैं चेंजेस करने वाला हूँ आर्मी में, क्योंकि सीज बरैक्स लेके वॉर अटैक करने वाला हूँ इसके लिए। सो अभी यहाँ पे गाइस वॉल ब्रेकर तो भाई साहब कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, देखो यार एकदम टाउन हॉल के पास पहुँच गया, एंड देन अभी हम लोग हॉगिंग स्टार्ट कर देते यहाँ से ऊपर से 11 o'clock से ऑलमोस्ट फटाफट करेंगे यार 3 स्टार, इस पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो अपने पास एक पॉइजन स्पेल बचा लेते, ओ भाई हॉक गए, ये देखो कितना ज़्यादा डैमेज हुआ जायंट बॉम्ब की वजह से। जायंट बॉम्ब से बचो यार, हॉक्स को बचाओ जायंट बॉम्ब से, ठीक है। जायंट बॉम्ब और ये जो है ना डिफेंस, क्या है इसका नाम, बॉम्ब टावर, वो भी भाई बहुत बहुत बेकार डैमेज देता है। ये देखो प्रॉपर हो गए, मेरा एक हील स्पेल भी बच गई है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि चलो रख लेते शायद अगली आर्मी रेडी ना हो तो यूज़ हो जाएगी। सो गाइस ऐसी मैं एक और अटैक करने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम ना हम लोग बहुत अच्छा बेस सर्च करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब लूट भी ज़्यादा हो और मज़ा आए अटैक करने में। तो आप लोग देख लेना एंड तक पूरी। सो यहाँ पे गाइस हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे 96% एंड देन
ये हो चुका है अभी 3 स्टार। ओ भाई मजा आ गया, लूट देख लो गाइस कितनी मिली। और बहुत मजा आता है फार्मिंग करने के लिए सच में। मैं अभी मतलब पुशिंग तो करता ही हूँ और फार्मिंग भी उसके साथ ही अभी सोच रहा हूँ करूँ, इस अकाउंट को मैक्स करूँ। ठीक है सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट अटैक के लिए भी जाएंगे। मैं आता हूँ अपनी आर्मी ट्रेन करके पूरी विथ CC ट्रूप्स के साथ। सो वेलकम बैक गाइस, यहाँ पे मेरी आर्मी यहाँ पे ट्रेन हो चुकी है एंड मुझे CC में लेवल 9 के हॉग्स मुझे मिल चुके गाइस। तो वैसे यार एक और अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूँ कि दोनों क्लैंस में स्पेस है, आ जाओ टाउनल 11 के अबव विथ 900 प्लस वॉचर्स रिक्वेस्ट करो। ओके सो गाइस यार अभी हम लोग मतलब अटैक करने वाले सेकंड, तो उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको कि गाइस आप लोग मतलब ना आप जैसे ट्रॉफीज भी इसमें मायने करते हैं। ठीक है मतलब जैसे अगर आप हो समझो क्रिस्टल लीग में ना सबसे बेस्ट रश बेसिस मिलते, इतना मतलब डेड बेस मिलते ना मतलब कुछ हिसाब ही नहीं है भाई। मतलब हर 5 बेसिस में से आपको एक बेस तो मिलना ही मिलना है, सच बता रहा हूँ। ठीक है तो वैसे यार मतलब आप उसके ऊपर अगर आप जाओगे जैसे आप समझो कि मास्टर लीग में या फिर चैंपियन लीग में, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब सारे बंदे एक्टिव प्लेयर्स मिलते हैं, तो फिर वो ट्रॉफी मतलब अटैक करते, तो वो इसके लिए वो मतलब एक्टिव प्लेयर्स मिलेंगे। तो आप समझ जाओ कि आपको बेस्ट लीग जो है ना वो यही है, क्रिस्टल लीग 2000 ट्रॉफी से लेके आप मतलब ना 2200 ट्रॉफी के अंदर ही रहो और फिर उसमें आप बेसिस सर्च करो। सो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अटैक की तरफ, तो ये एक और अटैक करके दिखाऊंगा। ठीक है अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो एक और हम लोग डेड बेस सर्च करेंगे और उस पर अटैक करेंगे। ठीक है आप भी एक बार ट्राई कर लो, और मतलब ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। ओके सो तू सच बोलता है। ओके सो गाइस अभी हम लोग सर्च करते हैं। ये देखो थोड़ी मेरी ट्रॉफीज बढ़ गई है मतलब 2000 के ऊपर, इसलिए मुझे ये एक्टिव प्लेयर्स भी मिल रहे हैं। तो मैं इसके बाद ना अपनी ट्रॉफीज घटा दूंगा, मतलब देखो शायद से मुझे 1600-1700 ट्रॉफीज अगर मैं कर दूंगा ना तो सबसे बेस्ट बेसिस आएंगे। तो सर्च करते हैं यार फटाक से और उस पर अटैक करेंगे हम लोग। सो गाइस ये देखो यहाँ पे मुझे ये बेस मिला है टाउन हॉल 11 का और इस पर लूट भी मतलब लगभग ठीक है। ठीक ओके गाइस, तो मैंने वैसे गाइस ना क्या किया कि मुझे ना मैक्स आउट बेसिस मिलने लगे यार, तो मैंने थोड़ा ट्रॉफीज घटा दी एंड देन मैंने बेस सर्च करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मुझे ये वाला बेस मिला है, तो इस पर हम लोग अटैक करने वाले गाइस। ये देखो ये वाला भी डेड बेस है एंड इस पर भी हो जाएगा मुझे लगता है इजिली टाउन हॉल 11 का है, मतलब टाउन हॉल 10 से मैं 11 पर भी अटैक कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इस पर अटैक करके दिखा रहा हूँ, मेरा मतलब डेड बेस मिलने पर भी हम कर सकते हैं। ओके सो गाइस मतलब ना अगर आप ना प्रॉपर आर्मी लेके जाओगे ना तो इसका फायदा ये होता है कि हम मतलब ना अगर कोई सामने टाउन हॉल 10 का भी मैक्स बेस अगर मिल गया सामने तो उस पर भी ना हम लोग कर सकते हैं अटैक, मतलब उस पर अगर ट्रॉफीज उसके भरे हुए हैं सॉरी मतलब लूट भरी है एंड मतलब स्टोरेजेस के साथ कलेक्टर्स भी अगर भरे पड़े तो हम लोग उस पर 3 स्टार कर सकते हैं ताकि हमें उसकी सारी लूट मिले। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब इससे आर्चर बारबेरियंस एंड गॉब्लिंस से मोस्टली आप मत यूज़ करो, आप प्रॉपर आर्मी लेके जाओ जिससे हम लोग 3 स्टार कर पाए। ठीक है गाइस, तो अभी गाइस वैसे यार मैंने एक बात मैं भूल गया यार, मैं इसमें रेत स्पेल लेना भूल ही गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं यहाँ पे हील्स पहले अपनी, तो क्या ये अटैक 3 स्टार हो सकता है, क्या लगता है गाइस आपको? तुमसे ना हो पाएगा। कैन वी 3 स्टार दिस बेस? ओ माय गॉड। ओके सो यहाँ पे लगभग तो मेरे हॉक्स तो सारे के सारे जिंदा है यार, तो कुछ मुझे टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे इतने सारे अपने को पूरी लूट मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा गाइस। तो ऐसे आप लोग सर्च करो, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कभी कभी क्या होता है ना एकदम ही ज़्यादा रश बेस मिलते हैं तो उस पर तो हम नहीं करने वाले अटैक। तो इसके लिए एक काम करो आप लोग ना 1500 टू 2000 ट्रॉफीज के बीच में रहो और एंड देन बेस सर्च करो। ठीक है क्योंकि मैं अभी ट्रॉफीज मैंने कम किए, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी कितनी ट्रॉफीज की है। ओके तो यहाँ पे चलो क्वीन की एबिलिटी एंड देन फटाक से 3 स्टार हो जाए, देन उसके बाद आप ऐसे यार मतलब 10 से 15 अटैक के अंदर स्टोरेज फुल हो जाएगा यार, मतलब और कुछ नहीं चाहिए ना भाई, तो मतलब फटाफट वॉल करो और मैक्स कर दो यार बेस को। ओके तो यहाँ पे हो चुका है गाइस 100% अटैक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, तो आप लोग लाइक ड्रॉप कर देना। ठीक है तो ये देखो चलो यार मेरे पास मतलब लूट बोनस भी मिल चुका है एंड देन ट्रेजरी में भी बहुत सारा है। तो ये देखो इतना जल्दी हमने कितना सारा लूट हमने मतलब अटैक्स किए, ये देखो मैं 1800 ट्रॉफीज पर हूँ अभी। सो गाइस ऐसी आप मतलब सर्च करो यार बेसिस एंड मैक्स करो फटाफट से। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप मतलब कौन से टाउन हॉल पर फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है तो वैसे अपने पास
ये भी बहुत सारे मैजिक आइटम्स भी गाइस बहुत सारे ये देख लो। तो एक हम लोग यूज़ कर लेते हैं रिसोर्स पोशन, ताकि मेरे रिसोर्स भी भर जाए धीरे धीरे फटाफट से, ओके, ताकि मैं स्टोरेज भर सकूँ। सो उसके बाद हम लोग क्या करते गाइस, वॉल कर देते एक दो, तो वॉल यहाँ पे गोल्ड से करते, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादातर पहले वॉल्स प्रीफर करता हूँ। ओके सो गाइस, आई होप कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना अपने चैनल पर, अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हो तो कर दो, फिर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना और उसके बाद ऑल पे भी क्लिक करना। मिलते गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस।